गुना में हरिपुर गांव के नाबालिग छात्रा के साथ टीचर ने छेड़खानी कर दी। टीचर ने रविवार को उसे स्कूल बुलाया था। बच्ची ने शाम को परिवार वालों को बताया। सोमवार को परिवार वालों ने कैंट थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। इसी दौरान घटना की जानकारी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को लगी। उन्होंने दोपहर में हनुमान चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमा झपटी भी हुई। काफी देर तक यहाँ हंगामा होता रहा। इधर सरकारी टीचर असलम खान के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। आज जो बड़ी दुखद घटना हुई है कि जो एक शिक्षक खान साहब है कंडीलगंज के रहने वाले हैं और एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है, जो कि कितनी घोर घटना हुई है उसके साथ कार्रवाई होना चाहिए, नौकरी से समाप्त होना चाहिए और उसका मकान भी तोड़ना चाहिए। प्रशासन ने कोई इसका आश्वासन नहीं दिया, उस चक्कर में ये सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि इसका कोई आश्वासन दे और उसका मकान तोड़ा जाए तो तभी नहीं तो थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, सुनवाई नहीं हुई। स्कूल का मामला है यार, कौन सा स्कूल है, कौन से स्कूल का मामला है? हरिपुर ग्राम पंचायत हरिपुर, उसकी सेवा सेवा होनी चाहिए अभी और उसका पहले भी कुछ जेल में रुका है 3 महीने। आरोपी वही टीचर है, हरिपुर का टीचर है, 7 लाख रुपये गिरफ्तारी वगैरह की गई है। चक्का जाम यहाँ पे किया गया था।